ओम शांति। 7 मार्च 2020 के बाबा के साकार महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हें अपने योग बल से सारी सृष्टि को पावन बनाना है। तुम योग बल से ही माया पर जीत पाकर जगत जीत बन सकते हो। प्रश्न, बाप का पाठ क्या है? उस पाठ को तुम बच्चों ने किस आधार पर जाना है? उत्तर, बाप का पाठ है सबके दुख हर कर सुख देना, रावण की जंजीरों से छुड़ाना। जब बाप आते हैं तो भक्ति की रात पूरी होती है। बाप तुम्हें स्वयं अपना और अपनी जायदाद का परिचय देते हैं। तुम एक बाप को जानने से ही सब कुछ जान जाते हो। आज का गीत है, ओम शांति। बच्चों ने ओम शांति का अर्थ समझा है। बाप ने समझाया है हम आत्मा हैं। इस सृष्टि ड्रामा के अंदर हमारा मुख्य पाठ है। किसका पाठ है? आत्मा शरीर धारण कर पाठ बजाती है, तो बच्चों को अब आत्माभिमानी बना रहे हैं। इतना समय देह अभिमानी थे, अब अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। हमारा बाबा आया हुआ है ड्रामा प्लान अनुसार। बाप आते भी हैं रात्रि में। कब आते हैं उसकी तिथि तारीख कोई नहीं है। तिथि तारीख उनकी होती है जो लौकिक जन्म लेते हैं। ये तो है पारलौकिक बाप, इनका लौकिक जन्म नहीं है। कृष्ण की तिथि तारीख समय आदि सब देते हैं। इनका तो कहा जाता है दिव्य जन्म। बाप इनमें प्रवेश कर बताते हैं कि ये बेहद का ड्रामा है। उसमें आधा कल्प है रात। जब रात अर्थात घोर अंधियारा होता है तब मैं आता हूँ। तिथि तारीख कोई नहीं। इस समय भक्ति भी तमो प्रधान है। आधा कल्प है बेहद का दिन। बाप खुद कहते हैं मैंने इनमें प्रवेश किया है। गीता में है भगवान उवाच, परंतु भगवान मनुष्य हो नहीं सकता। कृष्ण भी दैवी गुणों वाला है। ये मनुष्य लोक है, ये देवलोक नहीं है। गाते भी हैं ब्रह्मा देवताय नमः, वह है सूक्ष्म वतनवासी। बच्चे जानते हैं वहाँ हड्डी मांस नहीं होता है, वह है सूक्ष्म सफेद छाया। जब मूल वतन में है तो आत्मा को न सूक्ष्म शरीर छाया वाला है न हड्डी वाला है। इन बातों को कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते हैं। बाप ही आकर सुनाते हैं, ब्राह्मण ही सुनते हैं और कोई नहीं सुनते। ब्राह्मण वर्ण होता ही है भारत में, वह भी तब होता है जब परमपिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना करते हैं। अब इनको रचता भी नहीं कहेंगे। नई रचना कोई रचते नहीं है, सिर्फ रिजुविनेट करते हैं। बुलाते भी हैं, हे बाबा पतित दुनिया में आकर हमको पावन बनाओ। अभी तुमको पावन बना रहे हैं, तुम फिर योग बल से सृष्टि को पावन बना रहे हो। माया पर तुम जीत पाकर जगत जीत बनते हो। योग बल को साइंस बल भी कहा जाता है। ऋषि मुनि आदि सब शांति चाहते हैं, परंतु शांति का अर्थ तो जानते नहीं। यहाँ तो जरूर पाठ बजाना है ना। शांति धाम है स्वीट साइलेंस होम। तुम आत्माओं को अब ये मालूम है कि हमारा घर शांति धाम है। यहाँ हम पाठ बजाने आए हैं। बाप को भी बुलाते हैं, हे पतित पावन दुख हरता सुख करता, आओ हमको इस रावण की जंजीरों से छुड़ाओ। भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। रात मुर्दाबाद होती है, फिर ज्ञान जिंदाबाद होता है। ये खेल है सुख और दुख का। तुम जानते हो पहले हम स्वर्ग में थे, फिर उतरते उतरते आकर नीचे हेल में पड़े हैं।
कलयुग कब खलास होगा, फिर सतयुग कब आएगा, ये कोई नहीं जानते। तुम बाप को जानने से बाप द्वारा सब कुछ जान गए हो। मनुष्य भगवान को ढूंढने के लिए कितना धक्का खाते हैं, बाप को जानते ही नहीं। जाने तब जब बाप आकर अपना और जायदाद का परिचय दे। वर्षा बाप से ही मिलता है, माँ से नहीं। इनको मम्मा भी कहते हैं, परंतु इनसे वर्षा नहीं मिलता है, इनको याद भी नहीं करना है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी शिव के बच्चे हैं, यह भी कोई नहीं जानते। बेहद की सारी दुनिया का रचयिता एक ही बाप है, बाकी सब हैं उनकी रचना या हद के रचयिता। अब तुम बच्चों को बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हों। मनुष्य बाप को नहीं जानते हैं तो किसको याद करें। इसलिए बाप कहते हैं, कितने निधन के बन पड़े हैं, यह भी ड्रामा में नोंद है। भक्ति और ज्ञान दोनों में सबसे श्रेष्ठ कर्म है दान करना। भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ दान करते हैं, किस लिए? कोई कामना तो जरूर रहती है। समझते हैं जैसा कर्म करेंगे वैसा फल दूसरे जन्म में पाएंगे। इस जन्म में जो करेंगे उसका फल दूसरे जन्म में पाएंगे, जन्म जन्मांतर नहीं पाएंगे। एक जन्म के लिए फल मिलता है। सबसे अच्छे से अच्छा कर्म होता है दान। दानी को पुण्य आत्मा कहा जाता है। भारत को महादानी कहा जाता है। भारत में जितना दान होता है उतना और कोई खंड में नहीं। बाप भी आकर बच्चों को दान करते हैं, बच्चे फिर बाप को दान करते हैं। कहते हैं, बाबा आप आएंगे तो हम अपना तन मन धन सब आपके हवाले कर देंगे, आप बिगर हमारा कोई नहीं। बाप भी कहते हैं, मेरे लिए तुम बच्चे ही हो। मुझे कहते ही हैं हेवनली गॉड फादर, अर्थात स्वर्ग की स्थापना करने वाला। मैं आकर तुमको स्वर्ग की बादशाही देता हूँ। बच्चे मेरे अर्थ सब कुछ दे देते हैं, बाबा सब कुछ आपका है। भक्ति मार्ग में भी कहते थे, बाबा ये सब कुछ आपका दिया हुआ है। फिर वह चला जाता है तो दुखी हो जाते हैं। वह है भक्ति का अल्पकाल का सुख। बाप समझाते हैं, भक्ति मार्ग में तुम मुझे दान पुण्य करते हो इनडायरेक्ट, उसका फल तो तुमको मिलता रहता है। अब इस समय मैं तुमको कर्म अकर्म विकर्म का राज बैठ समझाता हूँ। भक्ति मार्ग में तुम जैसे कर्म करते हो उसका अल्पकाल सुख भी मेरे द्वारा तुमको मिलता है। इन बातों का दुनिया में किसको पता नहीं है। बाप ही आकर कर्मों की गति समझाते हैं। सतयुग में कभी कोई बुरा कर्म करते ही नहीं, सदैव सुख ही सुख है। याद भी करते हैं सुख धाम स्वर्ग को, अभी बैठे हैं नरक में। फिर भी कह देते फलाना स्वर्ग पधारा। आत्मा को स्वर्ग कितना अच्छा लगता है, आत्मा ही कहती है ना फलाना स्वर्ग पधारा। परंतु तमोप्रधान होने के कारण उनको कुछ पता नहीं पड़ता है कि स्वर्ग क्या नरक क्या है। बेहद का बाप कहते हैं, तुम सब कितने तमोप्रधान बन गए हो। ड्रामा को तो जानते नहीं, समझते भी हैं कि सृष्टि का चक्र फिरता है तो जरूर हूबहू फिरेगा ना। वे सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं, अभी ये है संगम युग। इस एक ही संगम युग का गायन है। आधा कल्प देवताओं का राज्य चलता है, फिर वह राज्य कहाँ चला जाता, कौन जीत लेते हैं ये भी किसको पता नहीं। बाप कहते हैं, रावण जीत लेता है, उन्होंने फिर देवताओं और असुरों की लड़ाई बैठ दिखाई है। अब बाप समझाते हैं, पांच विकारों रूपी रावण से हारते हैं फिर जीत भी पाते हैं रावण पर। तुम तो पूज्य थे फिर पुजारी पतित बन जाते हो तो रावण से हारे ना। ये तुम्हारा दुश्मन होने के कारण तुम सदैव जलाते आए हो।
परंतु तुमको पता नहीं है, अब बाप समझाते हैं, रावण के कारण तुम पतित बने हो। इन विकारों को ही माया कहा जाता है। माया जीत, जगत जीत, यह रावण सबसे पुराना दुश्मन है। अभी श्रीमत से तुम इन पांच विकारों पर जीत पाते हो। बाप आए हैं जीत पहनाने। ये खेल है ना, माया ते हारे हार, माया ते जीते जीत, जीत बाप ही पहनाते हैं। इसलिए इनको सर्वशक्तिमान कहा जाता है। रावण भी कम शक्तिमान नहीं है, परंतु वह दुख देते हैं, इसलिए गायन नहीं है। रावण है बहुत दुष्टर, तुम्हारी राजाई ही छीन लेते हैं। अभी तुम समझ गए हो हम कैसे हारते हैं, फिर कैसे जीत पाते हैं। आत्मा चाहती भी है, हमको शांति चाहिए। हम अपने घर जावें, भक्त भगवान को याद करते हैं, परंतु पत्थर बुद्धि होने कारण समझते नहीं हैं। भगवान बाबा है तो बाप से जरूर वर्षा मिलता होगा, मिलता भी जरूर है, परंतु कब मिलता है, फिर कैसे गंवाते हैं, ये नहीं जानते। बाप कहते हैं, मैं इस ब्रह्मा तन द्वारा तुमको बैठ समझाता हूँ। मुझे भी ऑर्गन्स चाहिए ना, मुझे अपनी कर्मिंद्रियाँ तो हैं नहीं, सूक्ष्म वतन में भी कर्मिंद्रियाँ हैं। चलते फिरते जैसे मूवी बायोस्कोप होता है, यह मूवी टॉकी बायोस्कोप निकले हैं, तो बाप को भी समझाने में सहज होता है। उन्हों का है बाहुबल, तुम्हारा है योग बल। वे दो भाई भी अगर आपस में मिल जाएं तो विश्व पर राज्य कर सकते हैं, परंतु अभी तो फूट पड़ी हुई है। तुम बच्चों को साइलेंस का शुद्ध घमंड रहना चाहिए। तुम मनमना भव के आधार से साइलेंस द्वारा जगत जीत बन जाते हो। वह है साइंस घमंडी, तुम साइलेंस घमंडी। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हो, याद से तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। बहुत सहज उपाय बताते हैं। तुम जानते हो शिव बाबा आए हैं हम बच्चों को फिर से स्वर्ग का वर्षा देने। तुम्हारा जो भी कलयुगी कर्म बंधन है, बाप कहते हैं उनको भूल जाओ। पांच विकार भी मुझे दान में दे दो। तुम जो मेरा मेरा करते आए हो, मेरा पति, मेरा फलाना, ये सब भूलते जाओ। सब देखते हुए भी उनसे ममत्व मिटा दो। ये बात बच्चों को ही समझाते हैं, जो बाप को जानते ही नहीं, वह तो इस भाषा को भी समझ ना सकें। बाप आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं। देवताएं होते ही सतयुग में हैं, कलयुग में होते हैं मनुष्य। अभी तक उनकी निशानियां हैं, अर्थात चित्र हैं। मुझे कहते ही हैं पतित पावन, मैं तो डिग्रेड होता नहीं हूँ। तुम कहते हो हम पावन थे, फिर डिग्रेड हो पतित बने हैं। अब आप आकर पावन बनाओ तो हम अपने घर में जाएं। ये है स्पिरिचुअल नॉलेज, अविनाशी ज्ञान रत्न है ना, ये है नई नॉलेज। अभी तुमको ये नॉलेज सिखाता हूँ। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का राज बताता हूँ। अभी ये तो है पुरानी दुनिया, इसमें तुम्हारे जो भी मित्र संबंधी आदि हैं, देह सहित सबसे ममत्व निकाल दो। अभी तुम बच्चे अपना सब कुछ बाप हवाले करते हो। बाप फिर स्वर्ग की बादशाही 21 जन्मों के लिए तुम्हारे हवाले कर देते हैं। लेन देन तो होती है ना, बाप तुमको 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य देते हैं। 21 जन्म 21 पीढ़ी गाए जाते हैं ना, अर्थात 21 जन्म पूरी लाइफ चलती है। बीच में कभी शरीर छूट नहीं सकता, अकाले मृत्यु नहीं होती। तुम अमर बन और अमरपुरी के मालिक बनते हो। तुमको कभी काल खा ना सके। अभी तुम मरने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। बाप कहते हैं देह सहित देह के सब संबंध छोड़, एक बाप से संबंध रखना है। अब जाना ही है सुख के संबंध में।
दुख के बंधनों को भूलते जाएंगे। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। बाप कहते हैं मामी कम याद करो, साथ साथ दैवी गुण भी धारण करो, इन देवताओं जैसा बनना है। ये है एम ऑब्जेक्ट। ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे। इन्होंने कैसे राज्य पाया, फिर कहाँ गए, ये किसको पता नहीं है। अभी तुम बच्चों को दैवी गुण धारण करने हैं, किसको भी दुख नहीं देना है। बाप है ही दुख हरता सुख करता, तो तुमको भी सुख का रास्ता सबको बताना है, अर्थात अंधों की लाठी बनना है। अभी बाप ने तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है। तुम जानते हो बाप कैसे पाठ बजाते हैं। अभी बाप जो तुमको पढ़ा रहे हैं, फिर यह पढ़ाई प्रायलोप हो जाएगी। देवताओं में यह नॉलेज रहती नहीं। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ही रचता और रचना के ज्ञान को जानते हो, और कोई जान नहीं सकते। इन लक्ष्मी नारायण आदि में भी अगर ये ज्ञान होता तो परंपरा चला आता। वहाँ ज्ञान की दरकार ही नहीं रहती, क्योंकि वहाँ है ही सदगति। अभी तुम सब कुछ बाप को दान देते हो, तो फिर बाप तुमको 21 जन्मों के लिए सब कुछ दे देते हैं। ऐसा दान कभी होता नहीं। तुम जानते हो हम सर्वंश देते हैं। बाबा, ये सब कुछ आपका है, आप ही हमारे सब कुछ हो। त्वमेव मातश्च पिता, पाठ तो बजाते हैं ना। बच्चों को एडॉप्ट भी करते हैं, फिर खुद ही पढ़ाते हैं, फिर खुद ही गुरु बन सबको ले जाते हैं। कहते हैं तुम मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे, फिर तुमको साथ ले जाऊंगा। ये यज्ञ रचा हुआ है, ये है शिव ज्ञान यज्ञ। इसमें तुम तन मन धन सब स्वाहा कर देते हो, खुशी से सब अर्पण हो जाता है, बाकी आत्मा रह जाती है। बाबा, बस अब हम आपकी श्रीमत पर ही चलेंगे। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। 60 वर्ष की आयु जब होती है तो वानप्रस्थ अवस्था में जाने की तैयारी करते हैं, परंतु वह कोई वापस जाने के लिए थोड़े ही तैयारी करते हैं। अभी तुम सतगुरु का मंत्र लेते हो, मन मना भव। भगवान उवाच, तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। सबको कहो आप सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, श्री बाबा को याद करो, अब जाना है अपने घर। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, कलयुगी सर्व कर्म बंधनों को बुद्धि से भूल, 5 विकारों का दान कर, आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। एक ही साइलेंस के शुद्ध घमंड में रहना है। दूसरा, इस रुद्र यज्ञ में खुशी से अपना तन मन धन सब अर्पण कर सफल करना है। इस समय सब कुछ बाप हवाले कर 21 जन्मों की बादशाही बाप से ले लेनी है। वरदान, निमित भाव की स्मृति से हलचल को समाप्त करने वाले सदा अचल अडोल भव। स्पष्टीकरण, निमित भाव से अनेक प्रकार का मैपन मेरापन सहज ही खत्म हो जाता है। ये स्मृति सर्व प्रकार की हलचल से छुड़ाकर अचल अडोल स्थिति का अनुभव कराती है। सेवा में भी मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि निमित बनने वालों की बुद्धि में सदा याद रहता है कि जो हम करेंगे हमें देख सब करेंगे। सेवा के निमित बनना अर्थात स्टेज पर रहना। स्टेज तरफ स्वतः सबकी नजर जाती है, तो ये स्मृति भी सेफ्टी का साधन बन जाती है।
स्लोगन, सर्व बातों में न्यारे बनो तो परमात्म बाप के सहारे का अनुभव होगा। ओम शांति।